यूएसए स्टडी वीज़ा नू लैके बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स है साढ़े कोल, कमेंट्स के जरिए भी आ रहे थे, फोन कॉल्स के जरिए भी आ रहे थे। सो आज की वीडियो में तुहानू जरूर दसांगे जिहड़े स्टूडेंट्स ने यूएसए स्टडी वीज़ा लिए अपलाई करना है, किहड़े-किहड़े कोर्सिज़ दे नाल तुहानू बेस्ट बैटर फ्यूचर जो है यूएसए दे विच नज़र आ सकदा है। और हुण दी आपां अपॉइंटमेंट्स नू लैके गल करिए, वह भी बहुत सारे सवाल ने स्टूडेंट्स ने कि असीं अपलाई करिए, साडा सारा जिहड़ा प्रोसीजर है टाइमली हो जाएगा, कदों सानू जो है जाण दा मौका मिल सकेगा, और असीं अपने फ्यूचर नू अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो सानू किस तरीके नाल सही कोर्सेज बारे सही चीज़ों बारे समझना चाहिए है। यूएसए नू स्टडी वीज़ा लिए आखिर क्यों चुनना चाहिए है, की खास तुहानू उत्थे मिलण वाला है, इस उपर भी आप गल जरूर सांझी करांगे। स्वागत है जी सारे का, मैं हाँ हरजोत कौर, डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे नैविगेटर्स ओवरसीज तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साढ़े नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो मैम, इन्ना लंबा एक्सपीरियंस तुहाडा इस लाइन दे विच, तुसीं बहुत सारी प्रोफाइल्स से काम कीता, ढेरों कंट्रीज़ दे लई स्टूडेंट्स नूं गाइड तुसीं करदे हो। जद आपां यूएसए स्टडी वीज़ा की गल करदे आं तां पिछले समय तो लैके हुण तक किन्ना कु वधिया ऑप्शन दे लई वधिया ऑप्शन दे वजो तुसीं देख रहे हो स्टूडेंट्स लई कि स्टूडेंट अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकदा है, किस तरह की प्रोफाइल नूं तुसीं बेस्ट ऑप्शन मन्नोगे कि यूएसए जरूर अपलाई कर लैन। हरजोत जी, ये अपां बहुत अच्छी गल कर रहे हैं, क्योंकि जेड़ी हुण जड़ा हुण टाइम आया ना, हुण स्टूडेंट अवेयर हो गया कि बाहर जाण दा कोई क्रेज़ नहीं है, अंटिल आर अनलैस तुसी अपने कैरियर नू सैटल करो। कैरियर सैटल करन वास्ते पढ़ाई सब तो अच्छा एक जड़ा, उस दे अलावा कुछ भी नहीं है। तुसी चले गए, वैसे ही चले गए, जड़ा पिछे बड़ा सुनन चाह रहा सीगा कि अमेरिका जाना है, बच्चे इलीगल जा रहे हैं। प्लीज़ तुसी जब स्टूडेंट्स अवेयर होंदे हो, इस वीडियो दे राही साडा काम है कि तुहानू पूरी इन्फॉर्मेशन देना, तुहानू पूरी नॉलेज देना। बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे भी असी नोटिस किए कि जेडे वैसे ही इलीगल चले गए। इलीगल बच्चे का उत्थे कोई जिन्हों कहना चाहिए कोई स्टेटस नहीं है, सारी जिंदगी माँ बाप नाल नहीं मिल सकते, बड़ा मुश्किल होंदा, काफ़ी टाइम निकल जाता है। यू हैव टू ऑप्ट फॉर द लीगल वेज। यू एस एक इदा का कंट्री है जिथे सब तो ज़्यादा बच्चा जड़ा पढ़न वास्ते जाता वर्ल्ड का। मैं तुहानूं स्टैटिस्टिक्स का डाटा दसदी हाँ कि यू एस दे विच बच्चा और इंडिया तो जड़ा कितना बच्चा जा रहा है। तुसी ये देखो कि यू एस दे विच जड़ा मास्टर्स प्रोग्राम च बच्चा जा रहा वो 45% जा रहा है, 33% जड़ा जा रहा बैचुलर दे विच, मतलब इक्वली गुड है, और बाकी डॉक्टर स्टडी एसोसिएट डिग्री च 15% 5%। हुण पांच जिहड़े मेन सब्जेक्ट्स आ जिहदे विच बच्चा पढ़न वास्ते जा रहा है वह है कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। हुण कंप्यूटर साइंस कितना 1,08,000 बच्चा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट 86,000, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस 78,408, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 37,000, मैनेजमेंट साइंस 35,000। इहदे विच टॉप 10 कंट्री दे विच जिहड़ा बच्चा सब तो ज़्यादा यूएसए जा रहा उहदे विच सब तो पहला नाम इंडिया का, दूसरा नाम चाइना का। इंडिया तो बच्चा जा रहा 3,77,620, 3,77,620, चाइना तो 3,30,000 जा रहा है। हुण तुसी ए देखो ये नंबर की रिफ्लैक्ट करता है कि इंडिया तो 3,30,000 बच्चा जड़ा है वो तुहाडा जड़ा जा रहा है, 3,30,000 बच्चा यूएस पढ़न वास्ते। हुण मैं एक होर रिसर्च की बच्चों वास्ते, जॉब्स इन यूएसए फॉर इंडियन स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सब तो ज़्यादा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ठीक है। इन दे वास्ते मैं यूनिवर्सिटियां भी कड़ी जी बेस्ट है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टिफिनी यूनिवर्सिटी, डेटा एनालिटिक्स विचिता स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग खासियत, वह भी मैं तुहानू दसूँगी। मैं एक सैलरी दसदा कि जिहड़ा हुण डेटा साइंस की या इन्हों की मैं सैलरी गल करा, एनुअल सैलरी जिहड़ी यू एस दे विच आ रही है, जो आपां गल करिए आई टी दे प्रोग्राम वास्ते 1,50,000 तो डेटा साइंटिस्ट, आई टी मैनेजर 1,25,000, फाइनेंस मैनेजर 1,20,000, प्रोडक्ट मैनेजर 1,15,000, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 110,000, वैब डिवेलपर्स 103, तो सब तो ज़्यादा कि निकल रही है आई टी डेटा साइंटिस्ट की। हुण तुसीं देख लो डेटा साइंटिस्ट का की स्कोप है। होटल मैनेजर 60,000। आई टी वाला बच्चा सब तो ज़्यादा सक्सैसफुल है,
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल एनालिस्ट 110,000 ते अराउंड जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म का बच्चा जो एक एवरेज बच्चा है, आर्ट्स का बच्चा है, बहुत कुछ नहीं दिमाग लगाना चाहता बट जॉबलैस नहीं रहना चाहता, एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, तो उन्होंने भी 60,000 स्टार्टिंग सैलरी इज़ वेरी गुड सैलरी, क्योंकि $85 भी 85 का जरा कि कैनेडा तो भी उपर है या आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो भी किधरे उपर है, जो इन्हें 60,000 है तो उन्होंने 90,000 या 100,000 के नेड़े तेड़े थोड़ी सैलरियाँ बनती हैं। तो ये तुम देखो US दे विच जिहड़ी मैं रिसर्च थोड़े वास्ते की है, टॉप जो प्रोग्राम निकलिया IT का निकलिया या बिजनेस का निकलिया या इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म, 4-5 प्रोग्राम। और वीज़ा इंडियन सब तो ज़्यादा लै रहे हैं, मास्टर च 45% और टोटल वीज़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट जरा इंडिया तो जा रहा 330,000। दिस इज़ द डाटा फॉर यू, और इस करके तो जानना चाहिए कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्री है USA। हुण क्यों हर यूनिवर्सिटी का एक अपना अलग स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होंदा है? हो सकता है उसकी फैकल्टी जिहड़ी है बेस्ट उस प्रोग्राम वास्ते है। हर यूनिवर्सिटी जिदा आप कहने कि वो दुकान जिहड़ी उत्थे ये चीज़ बहुत अच्छी मिलती है या ये चाट उस बंदे दे कोल बहुत अच्छी मिलेगी या एक प्रोडक्ट उस जगह बहुत अच्छा मिलेगा, इदा ही हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक क्वालिटी है, वो जिहड़ी है कि वो की स्पेशलाइजेशन, वो ट्रेनर बहुत अच्छे है, उन्होंने टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उन्होंने जॉब प्लेसमेंट बहुत अच्छी है या उन्होंने स्टूडेंट सैटिस्फैक्शन रेट बहुत अच्छा है, जिहड़ा बच्चों पढ़ाते हैं टीचर्स के नाल बहुत अच्छे रिलेशन है, बच्चों को फैसिलिटीज़ बहुत दिती हुई है, वो देखते हुए असं यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं। और जब असी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं तो वीज़ा रिजैक्शन के चांसिज नहीं होंगे। एक होर स्ट्रगल सेगा बच्चों US के वास्ते कि पहले डेट्स नहीं मिल रही सी, हुण डेट भी नॉर्मल हो गई, अपॉइंटमेंट भी नॉर्मल मिल रही है, हुण पहले US बच्चा थोड़ा जिहा पिछे इस करके हो जाता सीगा कि डेट नहीं मिल रही अपॉइंटमेंट। अच्छा, वीज़ा तो पहले खाली एक अंबैसी फीस जानी, एक सर्विस फीस जानी, दैट्स ऑल, वो अलावा कुछ जाना ही नहीं, सारा कुछ वीज़े के बाद जाना। दिस इज़ द फस्ट कंट्री जिहड़ा कि तुहानू जो वीज़ा मिलना है इंटरव्यू के नाल दो क्वेश्चन पूछ के नाल दी नाल तुहानू आना जिहड़ा वी पासपोर्ट रख लेंदे वीज़ा स्टैंप वास्ते तुहानू पता चलता कि वीज़ा लग गया, नहीं दे लगना है तो नाल दी नाल दे देंदे, तो तुहाडा कोई यानी कि 3 महीने 6 महीने खराब हो गए वीज़ा डिसीजन दे वास्ते, या वीज़ा रिजैक्ट हो गया तो फीसां तुहाडी जिहड़ी गई हुई हैं वो वापस आने च 6 महीने लग गए, तो तुहानू कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं, दिस इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर यू। जी बिल्कुल। सो क्यों तुहानू इत्थे अप्लाई करना चाहिए, मैम ने बहुत चंगे ढंग दे नाल सारा कुछ डिटेल विच तुहानू जरूर समझा दिता है कि किवें तुसी क्यों ते किवें और केड़े केड़े बेनिफिट्स दे नाल अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, इंटरव्यू नू लैके मैम थोड़ा जा जरूर दस दो, स्टूडेंट जिते इंटरव्यू की गल हुंदी है असी हमेशा ये गल जरूर करते हैं, स्टूडेंट थोड़ा जा इत्थे जरूर थोड़ा डर जा जरूर जाता है कि इंटरव्यू है की पूछा जाएगा, तो उस तैयारी नू लैके जरूर स्टूडेंट्स नू गाइड करो। हरजोत तुसी मेरा इंटरव्यू ही लै रहे हो इस टाइम, तुसी मुद्दा ही वो क्वेश्चन पूछते हो, तुसी क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं आंसर कर रही हाँ, उन्होंने भी यही 4 क्वेश्चन पूछने हैं, कि यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो जिहड़ा बच्चा पढ़न जा रहा उन्हें उस यूनिवर्सिटी का नाम पता होना चाहिए, उत्थे ये भी पूछ सकते हैं तुहाडी स्टडीज़ कौन स्पॉन्सर कर रहा या तुहाडी फीस किन्नी है या किहड़े एरिया च ये यूनिवर्सिटी है या किन्नी क यूनिवर्सिटियां च तुसी अप्लाई किया है या किहड़ा कोर्स लिया और ये कोर्स करके की करोगे, दैट्स ऑल। जी जब बच्चा ये 4-5 चीज़ा नहीं जवाब दे सकता तो वो तो फिर बच्चा पढ़िया ही नहीं, वो तो जान जोगा ही नहीं है, है ना। ये 10वीं 8वीं पढ़िया बच्चा भी एक 4-5 क्वेश्चन दे रिप्लाई कर देगा, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, है ना, हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ यू अप्लाइड, बड़ा सिंपल जो क्वेश्चन है, नॉट वेरी टफ, अपन जी गलबात कर रहे हो उस तो टफ है। जी 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 बिल्कुल। सो स्टूडेंट जरूर देखो इन्ना औखा नहीं है इंटरव्यू नू क्लीयर करना, बहुत ही सौखा जहा प्रोसैस है सारा, तो जरूर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए जरा नंबर डिस्प्ले इस उपर कॉल करके तुसी पूरी तरह समझ लो इस प्रोसीजर नू कीवें अप्लाई करना, कदों तक तुहानू अप्लाई कर लेना चाहिए। नैविगेटर्स ओवरसीज़ ऑफिस भी तुसी विजिट कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट जरूर लैके आयो ताकि असैसमेंट करके सही ऑप्शन सानू गाइड की जा सकन। बहुत बहुत थैंक्स मैम पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ साझी करने के लिए, अगों भी असं स्टूडेंट्स के लिए इसे तरह होर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे। फिलहाल ही दो जी इजाजत, थैंक यू सो मच। थैंक यू।